नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं रंजना आपके साथ और आज बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया की और स्टैंडअप इंडिया की। प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी को लागू हो चुकी है। इसका शिलान्यास दिल्ली के विज्ञान भवन में रखा गया, जहाँ देश के टॉप स्टार्टअप्स के सीईओ शामिल हुए और साथ ही युवाओं को जॉब सीकर की वजह जॉब क्रिएटर बनने का संदेश भी दिया। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है स्टार्टअप इंडिया स्कीम और इसका देश के विकास पर क्या असर पड़ा है और भविष्य में कैसा असर पड़ेगा। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और आप भी आज से स्टार्टअप के लिए तैयार हो जाइए। स्टार्टर की सबसेक्स सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी से नहीं है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, एडवेंचर करने का इरादा, ये उसके साथ जुड़ता है। जो कुछ करने के इरादे से आता है, पैसे उसके लिए बाय प्रोडक्ट होते हैं। और आप सबने देखा होगा कि आप लोगों ने जब शुरू किया होगा तब आपने बैंक बैलेंस क्या होगा ये कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन किसकी जिंदगी में क्या बदलाव लाता हूं यह सोचा होगा। नया है इसलिए उसको मौका न मिले, ये स्थिति तो बदलनी है, तभी नौजवानों को अवसर मिलेगा। हम खड़े हैं JSS एकेडमी के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के बाहर और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के HOD। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं बिजनेस वर्ल्ड के बारे में। सर, ये बताइए कि आप बिजनेस की स्टडीज करवाते हैं तो आपको पता होगा क्या कुछ दिक्कतों का एक स्टार्टअप करने के लिए सामना करना पड़ता है, जो और जो स्टार्टअप प्लान शुरू किया है मोदी सरकार ने उससे कितनी मदद मिल सकती है एक एंटरप्रेन्योर को? ऐसा है, देखिए, एक तो माइंड सेट है, द माइंड सेट ऑफ द फाइनेंसिंग और द बैंक्स, दे आर स्टिल इन द ओल्ड माइंड सेट। दैट इज़ वेर अ स्टार्टअप वेन वी टॉक अबाउट दे आर बेसिकली टेक्नोक्रैट्स, एंड टेक्नोक्रैट्स वेन वी लुक एट इज दे हैव एन आइडिया बट उनके पास पूंजी नहीं है, दे डोंट हैव द कैपिटल, एंड दैट इज़ द इश्यू। द सेकेंड इज़ अ वेरी लॉडेबल एफर्ट, या बट इम्प्लीमेंटेशन एक चीज़ है जो देखना है कि कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। दिक्कतें तो हैं, बहुत सारे हैं, बट देर आर लॉट ऑफ पीपल टूडे हु आर थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन। आप कोई भी मैनेजमेंट स्कूल में जाइए कि यू विल फाइंड एटलीस्ट 10-20% जो अपना शुरू करना चाहते हैं आफ्टर दे ग्रेजुएट। सो इसीलिए जो है इट्स अ राइट इनिशिएटिव एंड एट द राइट टाइम। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ स्टूडेंट्स भी जो बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके क्या विचार हैं स्टार्टअप प्लान पे। तो आप ये बताइए कि जो मोदी सरकार ने स्टार्टअप शुरू किया है, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपके उनसे? बिल्कुल, उम्मीदें बहुत सारी हैं। जैसे कि मोदी जी ने भी अभी विज्ञान भवन में संडे को जो प्रोग्राम हुआ था स्टार्टअप इंडिया का, उसमें बताया था कि उसमें टैक्स बेनिफिट्स हमको मिलेंगे। जैसे कि हम अभी नए नए ग्रेजुएट्स होकर निकलेंगे, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेजुएट्स, तो हम चाहेंगे कि हम एक एंटरप्रेन्योर बने, खुद में दूसरे की जॉब शुरुआत में करें, उसके बाद में अपनी जॉब भी हम करने के, हम बहुत अच्छा एक जरिया बन गया हमारे लिए कि हम एक नई अपनी नई कंपनी खोल सकें, हम एक एम्प्लॉयर बन सकें, एम्प्लॉय नहीं बन सकें, हम एम्प्लॉयर बन सकें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कंजर्वेटिव सोसाइटी है जहाँ पे वुमेन के लिए जॉब करना बहुत बहुत सारी फैमिलीज़ में सही नहीं माना जाता है, तो बिज़नेस करना बहुत ही मुश्किल काम मानते हैं, उन्हें फिनेंस नहीं किया जाता। तो मोदी सरकार ने एक सिडबी में एक स्माइल नाम की स्कीम लॉन्च की गई है, जहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इजी लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फिनेंस के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, वो सेल्फ डिपेंड होकर के बैंक की को एक्सेस करके अपने आप को स्टैब्लिश कर सकती हैं, सोसाइटी को स्टैब्लिश कर सकती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बन सकती हैं। जैसा कि हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स ने कहा कि फाइनेंस एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है स्पेशली वुमेन के लिए जो अपना एक नया बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, और मोदी सरकार ने जो ये स्कीम चलाई है स्टार्टअप प्लान की, ये वाकई में सबके लिए मददगार साबित हो सकती है। कैमरामैन देव के साथ रंजना सिंह राठौड़, NNC न्यूज़, नई दिल्ली।
मुंबई के दौरे पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस पर सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने स्टार्टअप को असहनशीलता से जोड़ दिया। साथ ही राहुल गांधी ने आरएसएस की सोच का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा माहौल में स्टार्टअप कैसे। सवाल ये है कि स्टार्टअप पे सवाल क्यों। दिल्ली में मोदी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया के अपने सपने को साकार किया तो करीब 1000 किलोमीटर दूर मुंबई में राहुल गांधी ने इसे असहनशीलता से जोड़ दिया और कहा कि स्टार्टअप और असहनशीलता एक साथ नहीं हो सकते। There is a contradiction, a huge contradiction in saying I want startups to happen and I will be intolerant. They're connected. Startups require the free movement of ideas. Intolerance curbs the free movement of ideas. You can't build businesses, build the economy on one hand, and say we're going to be intolerant on the other hand. That's just, it won't happen. You'll see that you will fail on the economy side. You will fail on the startup side if you're intolerant. राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला तो बीजेपी ने भी राहुल गांधी को खरी कोटी सुना दी। वो सच्चे बात तो राहुल जी अपनी जबान पर ला नहीं रहे। सच में तो ये है कि वो निराशा से भरे हुए जीवन को काटने में तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। वो उस बात को सीधे लफ्ज़ों में नहीं कह रहे। सच्चाई यही है कि उनका एजेंडा एक है कि वापसी उनकी हो और देश के हालात में ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी की वापसी हो सके। अभी हमको वेट करना होगा, वॉच करना होगा। इससे पहले भी इन्होंने 0% इंटरेस्ट के अंदर इन्होंने खाते खुलवाए थे, क्या हुआ? 15 लाख का वादा किया था, क्या हुआ? लोगों को बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। देखिए, नौजवान धंधा तो जब स्टार्ट करेगा ना, जब उसके पास पैसा होगा। जब नौजवान के पास पैसा ही नहीं है तो धंधा कहाँ से स्टार्ट करेगा? मगर मोदी साहब सिर्फ कह के चले जाते हैं, उसके बाद कुछ होता नहीं है। नीचे ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं होता, बस जीरो है। जैसे कि इनका कहना है कि ग्राउंड लेवल बिल्कुल जीरो है और मोदी जी बोलते हैं पर कुछ करते नहीं है। कैमरामैन प्रशांत के साथ मोनिका शर्मा, एनएनसी न्यूज, दिल्ली। मेक इन इंडिया के बाद अब केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम के अंतर्गत उन लोगों को खास तोहफा दिया गया है जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। लेकिन हमेशा की तरह प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम पर भी सियासत तेज हो गई है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बाकी योजनाओं की तरह क्या यह योजना भी लंबी सांस भर पाती है या इसे बीच में ही दम तोड़ने को मजबूर कर दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनएनसी न्यूज़। नमस्कार।